भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नहीं जी, हम नहीं बात करते, वो कर लेगा अपना, उसका गल्ला बता जी। हाँ हम बात नहीं कर रहे जी, चलो एक मिनट इसी बताओ प्रधान जी। हाँ जी, दो मिनट बारे प्रधान जी, क्या मामला है? चलो सारे के सारे मामला बताया। फत्तू बना रखे मेरे, काम कौन मारा है? हम फत्तू बना रखे, आज मारे ट्रैक्टर पकड़ रहा क्या है? क्या मामला 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 क्या मारे? पंजाब के किसान है नहीं, कल ट्रैक्टर लेके निकले थे ना, उनके बीचे बच्चे थे, वो ट्रैक्टर अब जब से नाम बच्चे थे, लेकिन प्रशासन हमारा बेकू बना रहा है। डर गए थे क्या मारे बैठे हैं ना, हमारा प्रशासन बात सुन रहा है, हमारे किसान को पकड़ेगा तो हम दो तीन दर गाली मीटर दे वहाँ ट्रैक्टर ने सारे ने सारे बढ़ाएंगे और पूरी बात करके बढ़ाए ट्रैक्टर ने। हाँ जी, पूरा मामला बताओ कितने? पूरा मामला ये है, ये तीन ट्रैक्टर पकड़ रखे हैं, उसमें कहने लगे कागज को नहीं, उन कागजों का नाम तो बिला चलाने का टांगे कागज लेके दे दिए, लेने के बाद भी अब जो ट्रैक्टर को नहीं छोड़ने लग रहे हैं, निको जुर्माना भरना पड़ा। किस बात के नाम का जुर्माना जब हमने अपने कागज दिखा दिए? अच्छा, इनके पास कोई साउंड मीटर है भी? आवाज कितनी थी? कोई साउंड नहीं था ही नहीं, कोई आवाज थी ही नहीं कुछ भी। अच्छा, और ना इनके पास में साउंडिंग का कोई रिकॉर्डिंग है। हाँ और बताओ, वैसे कितने मालिक रहे? हाँ, तीन ट्रैक्टर है, पंजाब के। कहाँ के? पंजाब से है, ये सस्ते से जा रहे थे काम करने, किसानों के संगरूर के ट्रैक्टर थे, इन्होंने जबरदस्ती प्रशासन इन किसानों को उकसाना चाहता है, और हमने प्रशासन को सख्त बताया कि जब तक किसान आप किसान की मदद करिए, ये सिर्फ किसानों को टारगेट करके ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी की सरकार है और हम करेंगे, हम इनको बताना चाहते हैं किसान। पूरा एक बजे काल दिन में जी हमारा ट्रैक्टर रोक गया, बिल्कुल डेक बंद था, उनको बोले हम देखते हैं तुम्हारे साथ चलो, इधर आके इनको चलान कट दिया हमारे ट्रैक्टर का, तीनों का। कितने रुपए का? 10,000 का, 22,000 का, ये 22,000 का। अच्छा, एक ट्रैक्टर मेरा था भाई साहब, मेरा ट्रैक्टर था, मर गई बार किसान आदमी हूँ, भारतीय आदमी हूँ, मेरा ट्रैक्टर सर्विस होने लगा था और आशीर्वाद पा होता और एसपी कोटेशन मिनरल डैग बचा था, कुछ भी नहीं था, फिर भी ट्रैक्टर बंद करवा लिया भाई। मेरा बुआ मेरी धरती सुखन लाग रही है, मैं ट्रैक्टर थाने में खड़ा कल का, अरे सबकी मिल रहा हूँ मैं। ओके हाँ, चलो वो डीएसपी अभी डीएसपी आए हैं, और भाई ये मामला है हरियाणा के जींद जिले का, यहाँ पर तीन ट्रैक्टर हैं और चार ट्रैक्टरों का चलान किया गया है, और यहाँ भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है वो पहुंच चुके हैं, और यहाँ नारेबाजी की जा रही थी, तो सूचना मिलने पर अभी जो डीएसपी हैं वो यहाँ ट्रैफिक थाने में पहुंचे हैं, और वो ट्रैक्टर आपको दिखाते हैं कि जिनके ये चलान काटे गए हैं, ये ट्रैक्टर हैं, और ये ट्रैक्टर गेहूं की बिजाई करने के लिए जा रहे थे, इनके पीछे मशीन भी है, और ये देखो ये गेहूं की बिजाई करने के लिए तीनों ट्रैक्टर जा रहे थे, और इनका कहना है कि कुछ भी मामला या नहीं था। रामराज जी डूल आइए बताइए, एक बार मामला बताइए क्या है पूरा। ये मामला ये पंजाब के ट्रैक्टर है, कायल मतलब लाखन बाजरा गाँव है अपना, वहाँ कणक बोने के लिए जा रहे थे, हिंदी करीब 1:30 बजे कायल ये मतलब पकड़ लिए, अब डीजे बजा रहे यू भाई, डीजे बजा कौन रहे थे तो ये भी इनका चलान कर दिया, मतलब 20,000 का, नुक 60,000 रुपये दो, किसान नारी है हमें धंधे कर पिया भी, ये बेचारे किसान ना बच्चे हर किसान ना खेत में जा रहे थे, तो ये मामला है डीएसपी आई, देखो समाधान क्या होगा, हम पीछे नहीं देवांगे एक भी नहीं। ध्वनि प्रदूषण के लिए तो भाई कितने आवाज है, साउंड मीटर होता है ना? ना कोई ठीक है सारे। देखिए जो प्रशासन ने उस टाइम पे इन ट्रैक्टरों को पकड़ा गया ना, तो प्रशासन के पास कोई ध्वनि कंपाउंडिंग का जो सेट का था वो इतनी ध्वनि ज्यादा है कम है, लेकिन मौके ऊपर जो मित्र थे हमारे वो बता रहे थे भाई ये डैक बज भी नहीं रहे थे, प्रशासन को यहाँ लाके दिखा गया भाई ट्रैक्टर अपने बजा के देख लो तुम, डैक बज रहे हो तो हम चलान देने को तैयार हैं, लेकिन ना तो इन्हें डैक बज रहे थे। ये गरीब इनके कल के यहाँ रोक रखे हैं ये बंदे, 10,000 रुपया दिहाड़ी इनकी एक दिन की पड़ती को नहीं, किस्त नहीं भरनी पड़ती इनको, किस्त नहीं भरनी इनको, इनके यहाँ रोक दिए जींद प्रशासन ने, और ये जींद की जो भारतीय किसान यूनियन की पूरी इकाई भारतीय किसान संघर्ष समिति की जो नौगा मखाफ है जींद के चारों तरफ के प्रशासन को हम चेतावनी देते हैं, अगर ये भाई से 1:54 भी इनके ऊपर कोई प्रशासन ने लगा दिया टैक्स का खर्चे का,
तो पूरे जींद के अंदर जितने भी हमारे ट्रैक्टर हैं पूरे चारों तरफ से ट्रैक्टर आएंगे और पूरे स्पीकर के साथ बजते हुए आएंगे, ये हमारी चेतावनी है। जी ठीक है, अभी जो डीएसपी आए हैं उनसे बात करते हैं पूरा मामला क्या है और इस मामले को कैसे सुलझाया जाएगा। और ये ट्रैफिक थाना है जींद का, अब डीएसपी साहब से बात करेंगे। ठीक है, आप यूँ नहीं 10 बजे तक रहा वो नहीं पता, 6 बजे से 10 बजे तक रह सकता है। मैं नहीं बता रहा 10 बजे से 6 बजे तक रहूँगा, मैं भी आए बात सुबह नहीं बता सकता। लेकिन जो चीज है बुजुर्ग आप हमारे आप भी समझदार हो, क्यों नहीं है कि भाई मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक ही बात बोलूं, चलो गलती हमारी तरफ से हुई आपकी तरफ से हुई, गलती बराबर हो रही है। जो बुजुर्ग है ये एक दमतरा साउंड मारा है, अटैक भी बड़े तुम्हारे बिल्कुल हो गया। इस कारण एसपी साहब ने बगा पत्रकार बुलाकर अखबारों में स्टेटमेंट दे दी कई दिन से, एक तो बुलेट दो पटाखे मारे हैं। ठीक है, एक मैं झूठ बोलूंगा, एक मैं भाई सबूत दूंगा, मेरी खुद डीएसपी बुलेट का पुत्र बैठा है। हाँ कटे है भाई, बिल्कुल कटे, सबूत दूंगा, आरे रखे है और मामला भी नहीं क्यों फाटा, बट असल सज्जन कराओ भी अभी चल रहा है, मैं अपने का सबूत दे दूंगा अपने यहाँ। नंबर दो बात, दो तीन आदमी और क्यों ठट्ठा भी ले गए, बूढ़े थे तो घूमन का है, एकदम साउंड खोल गए उसके अटैक बड़े, तो ये गलत तरीका किया। देखिए मतलब नए बच्चे जो मतलब है बिल्कुल उड़े बराबर में आके बुढ़ी आया और लड़ी एक लड़की लड़के से आवाज के कारण मतलब उसको बताना। हम 3 साल 4 साल हो गए गांव पंचायत लकड़ खड़े हो गए, गांव में अपना अपना गांव में प्रतिबंध लगाओ, आपने न्यू बताया सुप्रीम कोर्ट का तो कानून आने लगा, तारे कान खड़े हो गए सबके अधिकारी के, सिर्फ किस वास्ते मेरी नौकरी जाओगे उस वास्ते है हमारे खातर पंचायत में जाके कौन सा एस एच ओ कौन सा डीएसपी में जाए पूरे समाधान करेंगे। अब बराबर हुआ कि मैं भरूंगा कहां से भरेंगे, कहां से भरते हैं करो खत्म आपके खातर, तुम पाबंदी लाओगे उस चीज करोगे तो आज मेरे साथ आपको 2000 ट्रैक्टर बातें दिखाऊंगा। अरे बात आज 2000 ट्रैक्टर आपने भेज रहे हो कि दिखाई चलान करो, यही पुलिस थी जब किसान आंदोलन चल रहा था, यही थी, ये एजिटेशन चल रहा था, उस एजिटेशन के ऊपर लोगों का कौन लॉ एंड ऑर्डर कब कहता है कि आप गलत काम करो, कभी नहीं कहता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कौन तुलवाता है, ये सरकार तुलवाती है, किसान को अपनी किसान का खेत में काम करना क्यों आते हैं आपको जीरिया पता है, एक एक आध मजदूर नहीं मिल रहा बेचारा बाकी चलते खेती सुकड़ ला रही है, उसके लिए अरे नूर साहब हम आए समाधान कराने के लिए, आपके हाथ में हो तो वो बता दो, अगर एसपी के हाथ में हुआ नहीं है ऊपर होगा तो वो कर लेंगे, जैसा आप उचित मार्गदर्शन दो हमारे को और आप जायज बात बताओ। जो पहले ये बात जो समाधान था वो मशीन है इसके अंदर को पॉइंट रहता है, बाकी बस संजय बात करने अभी आ जाते नहीं, बात कर लो हम बात कर लो, हम बात के लिए कोई चीज समाधान बातचीत से होता है, बातचीत के ही समाधान होता है, कोई नहीं डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट दिखाइए सुप्रीम कोर्ट का ये है उसका एक बात देखो, हजारों गाड़ियां जाती है, हर गाड़ी में अटैक होता है, सबको बता दो सबको बात डैक की नहीं है भाई, डैक उतारने के लिए कोई नहीं कह रहा, बात साउंड की है, आप गलत वे में लेके जा रहे हो बात को, आप ये क्यों नहीं कह रहे मतलब उल्टी बात कर रहे हो, आप ये क्यों नहीं कह रहे बात लेंगे भाई इनको, ये की भाई जो आदमी अगर मर जाते हो ये बताइए आप से हाथ देता ये साउंड करवाए पूछो छोटे रूप में साउंड वाला जिम्मेवार होगा माफ को लेकर होगा टीम बिठा गए
अखबार नहीं पढ़े या वो नहीं आप मतलब ये अखबार नहीं पढ़े या अखबार में पढ़ के जगह जगह बाइंदर आप नहीं बंद है रोड पर फिर वही बात आ गई। अब आपसे थोड़ी देर पहले आपके शब्दों में मतलब आ रहे होंगे, रुको एक मिनट। आपने अभी कहा था कि भाई मतलब हमने डीजे बंद किया, आपने के मतलब वो गया उस टाइम नहीं गया। मैंने आपको उदाहरण दिया कि पूछ लो जनों का, मैं खुद जाके चौथे पे क्या गया हूँ कि भाई बहुत बढ़िया है। अब आप मतलब यूं क्यों लगे, आप भी सहयोग दे आप करो कुछ, आप तो वाकला ने गलती तो हमारे से भी हुई है, आपसे भी हुई है, क्यों ये तुम्हारा दिख रहा। मैंने ये बात बिल्कुल पहले कह दी, मैंने ये बात बिल्कुल पहले कह दी बैठते ही साथ, भाई आपसे भी गलतियां हुई है हमारे से भी हुई। मैं वही बात नहीं कह रहा, मैंने कहा आपसे गलती हुई है हमारे से भी हुई। किसानों को सही बात कह रहा हूँ, एक मिनट सही कह रहा हूँ, हम वो भी काम करा देंगे। सुनो कल मैं मुनादी करवाऊंगा, तुम कह गए फिर कहाँ जाओगे, मुनादी करा देंगे माइक नहीं बताओगा, फिर बता फिर उसका समाधान वापस खुद मुनादी खुद करवाई धक्का नहीं क्या करते, धक्का कोई फायदा नहीं। मैंने उससे यार बात की, मैं तो जैसे वो तैसे की बात है, जो आप बात करना है अच्छा, कल ना आपने भी काम पड़ेगा, मैंने भी काम पड़ेगा, हम और आप मैं तो बाहर हैं, हम ये कोई खास मामला नहीं था। जो एसपी साहब ने ना कुछ दिन पहले अखबारों में स्टेटमेंट दे दी थी कि जो भी ये साउंड लगाएगा या मोटरसाइकिल पटाखे बजाएगा इनका चलान किया जाएगा, इन्हें पंजाब वालों ने नहीं पढ़ा हुआ, तो हरियाणा वाले ने हमने पढ़ लिया सभी ने, प्रधान को सबको बता दिया था, और अब इनका चलान हो चुका है, उसमें हमारी आपस में सहमति बन गई है, जो भी इनका जायज चलान है वो हो जाएगा, और आगे सभी गांवों में प्रधान जी को बता दिया है, दूसरे एडिशनल प्रधान हैं और हैं उपप्रधान हैं, सभी को बता दिया अपने गाँव में मुनादी भी करा देंगे, आगे जो साउंड नहीं बजेगा उसका सुप्रीम कोर्ट के जाते को चलान किया जाएगा। कितने ट्रैक्टर थे, कितने का चलान हुआ था? दो तीन ट्रैक्टर हैं, चलान हो चुके हैं। कितना चलान था? अभी कुछ नहीं है, अभी नॉर्मल है, हो जाएगा जी। हाँ। और ये ध्वनि प्रदूषण का कितने डेसिबल तक इनकी आवाज होनी चाहिए, किस तरह से जागरूक करेंगे किसानों को? इनके जो बड़े हैं जो माइक ये नहीं लगेंगे, डीजे का भी है 6 से 10-7 दिन बज सकता है, वो अभी धीमी आवाज़ में, अगर उसको कोई पड़ोसी अगर तंग ना हो तो डीजे का भी लगाया गया उसके अंदर कि 6 से 10 ही बजेगा, 10 के बाद उसका भी चलान किया जाएगा, बिल्कुल गाड़ी भी अंदर की जाएगी उसकी जी। तो अभी किसानों के साथ सहमति हो चुकी है, मामला निपट सहमति हो चुकी है, कोई खास बात नहीं, किसान किसके, किसान हमारे हैं, हम किसानों के हैं, कोई ऐसी बात नहीं, किसान ठीक है, इन्हें कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, हमारी बातचीत चली सिर्फ खाए। किसान खेत के काम करके इस देश का अन्न पैदा करके पेट भरता है, उस किसान के साथ तुम ये बदतमीजी कर रहे हो। अगर उसके पास ये कहीं लिखा हुआ डीजे को कि डीजे नहीं चला सकते, आपने डीजे की लिमिट है, जब हम हाईवे पर जाते हैं यहाँ लिखा हुआ है 70 किलोमीटर/किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, कहीं 100 लिखा हुआ है, कहीं 50 लिखा हुआ है, इस डीजे के ऊपर भी लिखा है आप इस स्पीड से इसको बजा सकते हो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपकी गाड़ी के अंदर स्पीकर नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? फिर कंपनियाँ बंद कर दो आप, चीज सारी हो सकती है, लेकिन इनकी मानसिकता छोटी है सरकार की, ये सरकार किसानों को उकसाना चाहती है, और इन्होंने टारगेट बढ़ा है कि जींद के अंदर एक ऐसा धरती है, ये रामफल कनेडे भर गए, यहाँ आगे लोग ऊपर कर देंगे और तुम एजिटेशन कर दो, क्योंकि लोग खाली हैं, इनको काम से छुटकारा करके रोड पर बिठाने का काम ये सरकार चाहती है, और हम चाहते हैं समाधान हो, इसी समाधान के साथ में ये पूरी यूनियन यहाँ आज आई है और बता दिया आइंदा अगर चलान होगा तो किसान का ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए मामला ये था, प्रदूषण का नाम ध्वनि प्रदूषण का जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके बारे में, इस जो है नहीं पहली बार हरियाणा के अंदर इस डीसी ने एसपी ने ये कानून लागू करने की कोशिश करी, और उस कोशिश के अंदर सबसे पहले उसने अपने घर के आदमियों को किसानों को लिया, किसानों को लेने के बाद में उन तिमारे ट्रैक्टर इम्पाउंड करने की कोशिश करी, और इम्पाउंड करने के बाद में हमारे पास में भी उसको मैसेज आया, हमने कहा भाई ये किसान हैं खेती का काम करने लग रहे हैं तो ये इसी प्रकार से जाओगे इसी प्रकार से आओगे, आप ऐसे कैसे करने लग रहे हो? अब वो जो उसके बाद में सारा प्रशासन के साथ में जो हमारी बातचीत हुई है उसमें सलह सहमति बन गई है, और उन्होंने ट्रैक्टर हमारे छोड़ने की बात कर दी, और वो हमारे ट्रैक्टर छोड़ देंगे,
और आइंदा जो है नहीं इस प्रकार से जो है नहीं काम लागू नहीं होगा, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो एक ऐसा साधन है जो 24 घंटे खेत में रहता है। बिल्कुल। उसका किसी कोई भी चीज़ ना तो कागजों ही पूरी हो सकती ना वो कर सकता। अगर वो कागजा ही रखा और कागजा उसके खेत में गिर गए वो कहाँ तक उसकी पैरवी करेगा। कागजी कार्रवाई तो बड़ी मतलब औखी होती है। तो किसान को जो है नहीं उसके बारे में हमने प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा है, वह आप भी उसके बारे में बड़े सोच के बात विचार करा करो। तो भविष्य में इस तरह किसानों के चलान ना कटे ट्रैक्टरों के कुछ? हाँ, इसके ऊपर भी बात है, जिनके अंदर वो चलान नहीं कटेंगे नहीं कटेंगे। आश्वासन दिया है।